हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं गुल्लक 4 का एंडिंग एक्सप्लेन। तो पहले जानते हैं हम कि पूरे सीजन में क्या कुछ हुआ, उसके बाद हम जानेंगे कि इस सीजन का अंत कैसे और कहां पर हुआ। तो पहले एपिसोड में मिश्रा जी के यहाँ नगर निगम का नोटिस आता है कि घर अवैध है तो उसे गिराना पड़ेगा, जिसके बदले में कुछ दुविधा शुल्क देना पड़ेगा। तब ये दुविधा टल जाएगी। मिश्रा जी पहले घूस देने से मना करते हैं, लेकिन बाद में अन्नू और मम्मी के कहने पे राजी हो जाते हैं बुलडोजर बाबू को घूस देने के लिए। अन्नू के मैनेजर की भी शो में एंट्री होती है। वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और तेज दिखाया गया है। अब एक अधिकारी अगले दिन आता है और जैसे ही मिश्रा जी उसे घूस देने वाले होते हैं, तभी बिट्टू की मम्मी की एंट्री होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मिश्रा जी उसे 10,000 घूस दे देते हैं। लेकिन मिश्रा जी उससे जब नोटिस का जवाब लिखने बोलते हैं, तब वो अधिकारी भड़क जाता है। लेकिन उसके बाद मिश्रा जी उसकी सारी अकड़ झाड़ देते हैं और बला जैसे तैसे टल जाती है। दूसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि अन्नू की मम्मी की चैन कोई छीन के ले जाता है। इधर अमन स्कूल से घर लौटता है और घर पे कोई नहीं हो तो अपनी दाढ़ी उगाने के लिए रेजर यूज करने लगता है। कॉल पे उसका दोस्त उससे पैसे की बात करता है, जिसके बाद अमन गुल्लक से पहले पैसे निकालने का ट्राई करता है, लेकिन पैसे नहीं निकलते। तो वो अलमीरा से पैसे निकालने जा रहा होता है, तभी अन्नू आ जाता है और बताता है कि मम्मी की चैन किसी ने खींच ली। अब मिश्रा जी भी पहुंचते हैं और कुछ देर बाद मम्मी की एंट्री होती है, जो कि बहुत उदास होती है। अब मम्मी सब कुछ बताती हैं कि कैसे चेन चोरी हुई। इसके बाद पुलिस में कंप्लेन करने के लिए अन्नू और मिश्रा जी मम्मी को लेके जाते हैं। थाने में रिपोर्ट लिखवा दी जाती है और वहाँ इंस्पेक्टर मैडम उनका साहस बढ़वाती है, जिसके बाद सब हंसी खुशी घर चले आते हैं। तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि संडे के दिन अचानक पानी आना बंद हो जाता है। तो पानी वाले ड्रम की बात मिश्रा जी निकालते हैं, तो पता लगता है कि उस ड्रम में तो कबाड़ भरा पड़ा है। कबाड़ को कबाड़ी वाले को बेचने का डिसाइड होता है। उसी समय अमन को पैसा बनाने का आइडिया आता है और वो कबाड़ी वाले को ढूंढने निकल पड़ता है। अमन अब कबाड़ी वाले को लेके आता है और उससे पहले ही पैसों की बात कर लेता है। अब घर में लक्की आता है और वो एक लड़की को प्रपोज करने जा रहा होता है, तो अनु से एडवाइस मांगता है। अनु उसे भगा देता है। अब घर का कबाड़ निकाला जा रहा होता है, तभी एंट्री होती है पिट्टू की मम्मी की और उनका इंटरोगेशन शुरू हो जाता है। उनके जाने के बाद कबाड़ी वाला चला जाता है और अमन को उसके पैसे भी मिल जाते हैं, जिसके साथ साथ उसे एक इरोटिक किताब मिलती है, जिसका नाम होता है वो रसीली रातें, और उसके नीचे शांति मिश्रा का नाम भी होता है। यानी कि किताब कई साल पहले मम्मी जी की थी। अमन नाम की जगह फाड़ के किताब पढ़ने लगता है। अगले एपिसोड यानी कि 4th एपिसोड में हम देखते हैं कि स्कूल के बाद अमन अपने दोस्तों के साथ घूमने की बातें कर रहा होता है और इसके लिए वो अन्नू से जैकेट मांगता है। अन्नू से मना कर देता है तो वो चोरी से जैकेट लेके स्कूल निकल जाता है। उसी टाइम पे पिट्टू की मम्मी मुरब्बा देने वहाँ आती है और अमन उन्हें बिना नमस्ते किए निकल जाता है, जिसपे वो आग लगा के चली जाती है कि इस पे ध्यान रखिए। अन्नू अब एक डॉक्टर से मिलने जाता है अपनी जॉब के काम से और डॉक्टर का नाम प्रीतीता है। अमन भी अपने दोस्त के साथ उसकी डेट पे जाता है रेडी होकर। वो एक कैफे जाते हैं जहाँ पे सूर्य नारायण की गर्लफ्रेंड शिल्पी के साथ उसकी दोस्त अदिति भी आती है। डेट के बाद अमन बहुत खुश हो जाता है, बट उन्हें एक आदमी कैफे में देख लेता है। दूसरी तरफ अनु का मैनेजर उसे बहुत डांट देता है और अनु भी इसके बाद गुस्सा हो जाता है। वहीं घर में मिश्रा जी डिसाइड करते हैं कि दोनों को अब अलग अलग रूम दे दिया जाएगा और ये बात उन्हें सरप्राइज की तरह बताएंगे। अब दोनों घर आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों भाई में थोड़ी कहासुनी हो जाती है और अनु बाहर चला जाता है। बाहर वो अपने दोस्त के साथ मिलता है और तभी उसे सुनैना, जो कि लकी की गर्लफ्रेंड होती है, उसके पापा की कूलिंग सर्विस के बारे में पता चलता है। अब आते हैं अंतिम एपिसोड यानी कि एंडिंग। तो लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और अमन अदिति के ख्यालों में खोया खोया रहता है और तो और अनु से माफी भी मांग लेता है। इधर लकी का कॉल आता है और वो बताता है कि वो जेल में है क्योंकि किसी ने सुनैना कूलिंग सर्विस का सामान तोड़ दिया होता है, जो कि अनु ने ही किया होता है, क्योंकि सेम कूलिंग सर्विस वाले ही डॉक्टर प्रीति के यहाँ एसी और वाटर कूलर लगाने वाले थे। इसी का फायदा उठा के अनु डॉक्टर प्रीति प्रेस करने क्लिनिक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मिश्रा जी अमन को मंडी लेके जाते हैं सब्जी खरीदवाने। वहां पर अमन मिश्रा जी के साथ बदतमीजी कर देता है। तभी घर पर वही आदमी जिसने अमन को कैफे में देखा था, वो आके ये बात मम्मी को बता देता है। जब मम्मी अमन से पूछती है कि वो कहाँ था, तब वो उनसे भी बदतमीजी करता है। मिश्रा जी अब अमन का बैग चेक करते हैं, जिसमें उन्हें लव लेटर और वो इरोटिक नॉवल भी मिल जाती है, जिसके बाद वो अमन को एक थप्पड़ मारते हैं। जब मम्मी जी वो किताब देखती है तो उन्हें याद आ जाता है कि वो उन्हीं की है। इधर क्लिनिक पे अनु वाटर कूलर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और फिर सब उससे बहुत खुश हो जाते हैं, खासकर डॉक्टर प्रीति। लेकिन अनु का बॉस उससे जलने लगता है, लेकिन उसके काम से बहुत खुश होता है।
और उसे गोवा का हॉलीडे पैकेज भी देता है। अन्नू खुश होता है और घर आता है और सबको समझाता है। और अन्नू अमन को छत से लेने के लिए निकलता है तो तभी बिट्टू की मम्मी आ जाती है और बताती है कि अमन ने उनसे 500 रुपए लिए और कहीं चला गया। पहली बार वो कुछ अच्छा काम करती दिखी है 4th सीजन में। अब अन्नू अमन को ढूंढने निकलता है। अमन बस स्टॉप पे होता है और अन्नू उसे वहां से समझा के घर ले आता है। मिश्रा जी अब सबको बोलते हैं कि घर बेच के फ्लैट खरीदना चाहिए और इसके बाद सब इमोशनल हो जाते हैं और अन्नू लक्की को भी जेल से निकलवा लेता है और गुल्लक सीजन 4 की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन गुल्लक के सीजन 4 को लेकर के। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जाते जाते वीडियो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।